हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं हूं आलोक रंजन और मैं दिखा रहा हूं प्री वैक्यूम सेक्शन यूरिया प्लांट का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, प्री वैक्यूम सेक्शन में क्या है, उसका फ्लो डायग्राम और क्या क्या हम इसमें करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे दोस्तों। दोस्तों, प्री वैक्यूम सेक्शन से ही मतलब आ रहा है कि यहाँ पर जो है वैक्यूम से पहले वाला सेक्शन। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रेशर प्री वैक्यूम सेक्शन का मेंटेन करते हैं वो 0.35 एटा से लेके 0.4 एटा तक मेंटेन करते हैं। ये एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ, 0.35 एटा से 0.4 एटा। अगर आप 0.35 एटा को केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.65 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर आप 0.4 एटा को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 0.6 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 0.6 केजी। और ये कैसे आएगा, इसमें मैंने हाउ टू कन्वर्ट एटा इंटू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस पर वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इतना जो है प्रेशर हम प्री वैक्यूम में रखते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0.35 से 0.4 एटा तक रखते हैं। अब बात आती है कि हम इसे अंडर वैक्यूम क्यों ले आ रहे हैं, यूरिया की जो अब प्योरिफिकेशन जो हमें करना है तो उसे अंडर वैक्यूम हम क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अंडर वैक्यूम के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो वैक्यूम जितना अधिक होगा उतनी ही हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटती है। आप जानते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें तो अप्रोक्स प्रेशर कुकर में 2 केजी का प्रेशर बनता है, तो 2 केजी पे जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री पे हो जाती है वहाँ पे वो 120-121 डिग्री के आसपास वो बॉयल हो जाता है। तो अगर उसी के अपोजिट अगर हम बात करें कि अगर हम 6 mmHg पे 6 mmHg जो है उतना वैक्यूम हम क्रिएट कर दें तो पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। यानी कि अगर आप 6 mmHg अगर वैक्यूम बना लो तो वहाँ पे पानी जो है 4 डिग्री पे ही बॉयल हो जाएगा। अगर आप 1 एटमोस्फेरिक पे 100 और अगर 2 केजी अगर बना लो पॉजिटिव में 2 केजी प्रेशर पे तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 120 के अप्रोक्स होती है। समझ में आया? इसलिए सबसे पहला हमारा वैक्यूम देने का मतलब ये है कि वैक्यूम में ले जाने का, कि वैक्यूम में ले जाएंगे तो जो हमारे पास जो वाटर है, वाटर यहाँ पे जो एलपी सेक्शन से 27.66% आया था, 66 आया था, तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी और वो तुरंत सेपरेट आउट हो जाएगा। तो एक तो बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगी, जितना भी हमारा वैक्यूम हाई होगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही वाटर की कम होते जाएगी। अगर हाई वैक्यूम यानी कि 6 mmHg कर लो तो वहाँ पे वाटर जो है 4 डिग्री पे ही बॉइल हो जाएगा। तो ये तो पहला पर्पज ये है। दूसरा, अवॉइड हीट हजार्स। हीट हजार्स से बचने के लिए हम जो है लो वैक्यूम रखते हैं। हीट हजार्स क्या है दोस्तों, जैसे आप सोचो कि टेम्परेचर हम बढ़ा के तब हम इवेपोरेट करा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ पे हीट ज़्यादा लगेगी, सारी लाइनें जो है हीटअप होंगी। तो आपको मालूम होगा कि जब हीट सभी लाइनें हैं सभी जगह रेडिएशन और हीटिंग हजार से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा इंसिडेंट है। हाई टेम्परेचर जो प्लांट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जो है हीटिंग हजार्स होते हैं। तो हीटिंग हजार से बचने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो उससे हीटिंग हजार्ड्स हो सकती है, रेडिएशन फैलेगा, डिहाइड्रेशन होगा, पूरा बॉडी बेकार हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि कोई भी इंसुलेशन परफेक्ट इंसुलेशन नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट बाहर आ ही जाता है। तो हीटिंग हजार्ड्स को रिड्यूस करने के लिए भी हम एक तरह से वैक्यूम सेक्शन कम किए। दूसरा, लाइन कॉस्ट को कम रखने के लिए, वैक्यूम में जो है लाइन की जो कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि आप जानते हो कि हाई टेम्परेचर अगर आप रखोगे अपने सिस्टम में तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर वाली लाइन को आपको लाना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर रखोगे तो हाई टेम्परेचर वाली लाइन को लाना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रखोगे तो लो टेम्परेचर वाली लाइन को लाना पड़ेगा। तो जब जो हाई टेम्परेचर वाली लाइन है वो कॉस्टली पड़ती है, तो एक तरह से तो लाइन कॉस्ट भी हमारी इससे कम हो जा रही है। चौथा, एनर्जी कंजप्शन।
एनर्जी कंजप्शन भी हमारे वैक्यूम सेक्शन में, प्री वैक्यूम सेक्शन में ले जाने से कम होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप 100 डिग्री टेम्परेचर देख के पानी को इवोपरेट कराओगे तो वहाँ पे स्टीम का कंजप्शन ज़्यादा होगा, लेकिन आपने वैक्यूम कर दिया अंडर वैक्यूम, तो अंडर वैक्यूम में वो 70 डिग्री पे ही बॉयल हो सकता है, 75 डिग्री पे ही बॉयल हो जाएगा, तो वहाँ पे आप कम स्टीम का कंजप करोगे, तो एक तरह से एनर्जी जो है एनर्जी को आप सेव कर लोगे, यानी कि स्टीम की कंजप्शन को आप कम कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा इजी टू ऑपरेशन। दोस्तों लो प्रेशर पे हमारा जो है सारा सिस्टम जो है इजी टू ऑपरेशन है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आसानी से आप ऑपरेशन को स्मूथ कर रहे हो। इसी का उल्टा अगर आपका ऑपरेशन हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ ऑपरेशन जो है क्रिटिकली हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है बायरेट फार्मेशन या डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। दोस्तों अगर हाई टेम्परेचर पे आप अगर कंसंट्रेट कराओगे यूरिया को तो या उसमें से वाटर को रिओपरेट कराओगे तो वहाँ पे चांस है कि जो है यूरिया डिकम्पोज हो जाए, जल जाए, या अगर थोड़ा सा होल्ड अप अगर हो जाएगी यूरिया सॉल्यूशन तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बायरेट फार्मेशन ज़्यादा होगा, तो बायरेट फार्मेशन हो जाएगा जिससे आपकी पूरी यूरिया ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्री वैक्यूम सेक्शन का यूज करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एलपी सेक्शन से आया हमारा अमोनिया, CO2, H2O और यूरिया, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो एलपी सेक्शन से जो हमारा आया उसमें अमोनिया थी 1.75%, CO2 0.77%, H2O 27.66% और यूरिया जो थी 69.82%। ये कहाँ से आई हमारे एलपी सेक्शन यानी कि लो प्रेशर सेक्शन से ये हमारी आई। उसके बाद इसे हम ले गए सेपरेटर में। ये दोस्तों ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो सेपरेटर है ऊपर, उसके बाद एक्सचेंजर है, उसके बाद होल्डर है, यानी कि यहाँ पे जो है सेपरेट हो जाएगा। इतना एरिया है डायरेक्ट आप फ्लेश कराओगे यूरिया सॉल्यूशन को तो उसमें जो है CO2 अमोनिया और पानी ये तुरंत ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ के ये जो है इसमें आ जाएंगे प्री वैक्यूम कंडेंसर में और यहाँ पे कंडेंस होके इसे हम इस वेसल में V30 में रख लिए। अगर आप यूरिया प्लांट से हो तो आप MB29 इसे कह सकते हो, इसे E01 कह सकते हो और इसे MB30 कह सकते हो, ये आप कह सकते हो। अगर आप यूरिया प्लांट से नहीं हो तो आप बस ये समझो कि जो MP सेक्शन से हमारा जो यूरिया सोल्यूशन आया, सॉरी LP सेक्शन से जो आया उसे हम सेपरेटर में डालें। सेपरेटर में डालते ही हमारा जो है गैसों का टेंडेंसी है ऊपर उठने की, तो अमोनिया तुरंत ऊपर उठ के यहाँ पे आ गए, CO2 भी तुरंत अलग हो गई और कुछ मात्रा में हमारा पानी भी इवेपोरेट होके यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब वो धीरे धीरे सॉल्यूशन नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो इन ट्यूबों में भरेगा, तो ट्यूबों में हम भर रहे हैं सॉल्यूशन को और सेल साइड में हम भर रहे हैं, सेल साइड में हम दे रहे हैं MP सेक्शन की जो ऑफ गैसेस आई थी, तो उन ऑफ गैसों का टेम्परेचर अप्रोक्स 140 डिग्री थी, तो 140 डिग्री की जो गैस है हम सेल साइड में इनकी और ये गैस जो है अपनी लेटेंट हीट खो के अपना जो टेम्परेचर खो के 111 डिग्री पे बाहर निकल गई और इसे क्या कर दें थोड़ा सा प्रीहीट कर दें। जब ये प्रीहीट करेंगी तो इसमें से जो भी पानी है वो तुरंत स्टीम बनेगा और वो तुरंत यहाँ पे कंडेंसर में आके कंडेंसर के रूप में V30 में चला जाएगा। अब जो है यूरिया जो सोल्यूशन बचेगा उसका कंपोजिशन देखो क्या होगा, यहाँ पे होल्डर में प्री वैक्यूम के बाद हमारा जो है जो अब यहाँ पे होल्डर में जो होगा इकट्ठा होगा यूरिया सोल्यूशन, उसमें अमोनिया रहेगी 0.38%, CO2 रहेगी 0.1%, H2O रहेगा 16.32% और यूरिया रहेगी 83.2%। बाकी जो है 1.75 से 0.38 बंद हो गया, 0.77 से 0.1 हो गया, 27.66 से 16.32 हो गया और 69.82 से 83.2 हो गया, यानी कि इतना जो है डिफरेंट यहाँ पे आ गया, यानी कि इतनी जो है इसका जो डिफरेंट है वो सारे यहाँ पे कंडेंस हो गई
और फिर यहाँ पे इकट्ठा हो गए। इतना समझ में आ गया आपको? अब उसको क्या करेंगे, उस यूरिया सॉल्यूशन को उसमें मिलाएंगे यूरिफिक्स। उसमें मिलाएंगे दोस्तों यूरिफिक्स। यूरिफिक्स एक ऐसा केमिकल है जो एंटी केकिंग है। यूरिया को केक, यूरिया जो है यहाँ से, तो यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वो केक बनाने लगेगी, तो यूरिया केक ना बनाए इसलिए हम इसमें यूरिफिक्स डाल देते हैं, एंटी केकिंग एजेंट, वो केक ना बना दे, वो चिपक ना जाए एक दूसरे से, इसलिए उसमें एंटी केकिंग एजेंट के रूप में यूरिफिक्स जो है एक केमिकल है वो मिला लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब जो वेपर निकली उनकी देखते हैं। वेपर यहाँ पे कंडेंसर में कंडेंस हुई, जो कंडेंस नहीं हो पाई उसे हम क्या के इजेक्टर के थ्रू यहाँ से खींचे, इजेक्टर से खींचे, इजेक्टर में हमारा मोटिव फ्लूड हो गया वेपर गैस, और सॉरी जो मोटिव फ्लूड होगा उसे वो रहेगा हमारा स्टीम, स्टीम देंगे, और जो हमारा प्रोसेस फ्लूड है वो वेपर है। वेपर और स्टीम दोनों हमारा इजेक्टर से, इजेक्टर लगा के दोनों को खींच के दूसरे कंडेंसर में ले आएंगे, बी वाले में, और यहाँ पे फिर हम अमोनिया, CO2 और पानी को कंडेंस करके इसी टैंक में डाल देंगे। बाकी जो इनर्ट्स हैं जो कंडेंस नहीं हुई, या कुछ अमोनिया जो कंडेंस नहीं हुई, या कुछ CO2 कंडेंस नहीं हुई, उन्हें हम ले जाएंगे वाशिंग टावर में, और उसे वाटर से वहाँ पे स्प्रे करा के उसे डिजोल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो CO2 जो है वो वाटर में घुल के एक तरह से कार्बोनिक एसिड बना लेती है, और हमारा अमोनिया है वो अमोनिकल वाटर बना लेगा पानी के साथ मिलके। अमोनिया और CO2 फिर नीचे लाके इसी में हम रख लेंगे। बाकी जो इनर्ट्स हैं उन्हें वेंट कर देंगे, एटमोस्फेरिक से वेंट कर देंगे। तो ये हो गया इसका। अब दोस्तों इसमें जो है आपको सीखने लायक है कि यहाँ पे मैं जो एक तो बैरोमेट्रिक लेग्स के थ्रू हमने जो है कंडेंसेट को यहाँ पे लिया V30 में, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि बैरोमेट्रिक लेग होती क्या है। तो बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है वो मैंने बैरोमेट्रिक लेग पे वीडियो बना रखी है। दूसरा, बैरोमेट्रिक लेग की जो है डिग्री जो है 45, उसका जो स्लोप है 45 एंगल क्यों है, तो ये भी मैंने बैरोमेट्रिक लेग में बता रखी है। और तीसरी जो चीज़ है कि ये बैरोमेट्रिक लेग हमेशा जो है पानी में डूबी रहती हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि बैरोमेट्रिक लेग जो है पानी में हमेशा डूबी रहती हैं? तो इस पे भी मैंने उसी वीडियो में बैरोमेट्रिक लेग क्या है उसी में मैंने बता रखा है। तो आई होप इसमें आपने समझ लिया कि जो है प्री वैक्यूम में क्या होता है। प्री वैक्यूम का जो है फाइनल जो टेम्परेचर जो वैक्यूम को जाएगा यूरिफिक्स मिलके, उसका टेम्परेचर 105 डिग्री के अप्रोक्स होता है, 105 से 110 के आसपास। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा प्री वैक्यूम क्यों करते हैं, उसमें कितना प्रेशर रखते हैं, उसका यूरिया कंपोजिशन का, यूरिया सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, और कैसे वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।